गर्मियों में आपने खसखस शरबत जरूर पिया होगा, वो सिंपल से दिखने वाले ग्रीन लिक्विड को बनाने में लगती है इतनी ज्यादा मेहनत, और तरीका होता है बनाने का इतना यूनिक कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो अगर आपने कभी खस बनते हुए नहीं देखा है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले देखिए गाइस, यहाँ पे एक खस रखी हुई है, और ये जो खस है इसको रात को भिगोया जाता है पानी के अंदर, किसके अंदर से मिट्टी विट्टी निकल जाए, फिर सुबह 5 बजे खस बाहर निकाली जाती है वहां से। अब 6 घंटे के बाद इसे यहाँ से लिया जाएगा और यहाँ से जाएगी देग में। ये देखिए गाइस कितनी देग यहाँ पर है, कोई 26 देग है। सबसे पहले देखिए इनके अंदर पानी डाला जा रहा है, पानी डालने के बाद इसमें आएगा खस। तो ये जो अपनी गीली खस है अब इसे यहाँ पे लाया जा रहा है देग के पास, जहाँ से ये देग में भरी जाएगी। तो ये देखिए गाइस देग के अंदर खस भरी जा रही है, और भैया एक देग में कितनी खस आएगी? 1.5 क्विंटल। तो हर एक देग में 1.5 क्विंटल खस भरी जाएगी। और ये आप देख सकते हैं जो खस है उसको बिल्कुल अंदर ठूस ठूस के भरा जाता है, पहले पैरों से दबाया जा रहा है, और इधर आप देखिए जो भरी हुई है देख, उसे डंडे से दबा दबा के पूरा अंदर ठूस ठूस के भरा जाएगा इसमें खस को। और फिर भैया खस ही कितनी देर पकाई जाएगी इसमें? 24 घंटे रहेगी। आप देखिएगा इस खस से पूरी भर ली गई है ये, और फिर चिकनी मिट्टी लगा के अब इसे सील किया जाएगा। तो ये देखिए पहले ढक्कन लगाया जा रहा है, और ये देखिए ढक्कन को भी पूरे अच्छे से दबाया जा रहा है। ढक्कन रखने के बाद इसे देखिए और सील किया जा रहा है, पूरी ठोका पीटी करने के बाद इसे और बाहर से मिट्टी लगा के फिर से सील किया जा रहा है। तो पूरा प्रॉपरली सील किया जाता है गाइस, क्योंकि इतने प्रेशर से यहाँ पे भाप बनती है कि अगर किसी तरीके से भाप निकल जाए तो आसपास जितनी देग रखी है उन सब में भी नुकसान हो जाएगा, और इसके अंदर का सारा माल तो बाहर आ ही जाएगा। अब जितनी भी यहाँ पे देग आप देख सकते हैं सारी की सारी सील पैक की जा चुकी है। इसके बाद अब इनके नीचे भट्टी में आग लगाई जाएगी, और आग भी गोबर के उपलों पे लगेगी, और अगले 24 घंटे तक इन्हें गर्म किया जाएगा नीचे भट्टी में आग पर। और ये अपना आ रहा है भपका, जिसके अंदर खस इकट्ठा किया जाएगा। तो हर एक देख के नीचे भपका लगाया जाएगा। अब भैया ये क्या चीज आ गई है? ये चोंगा है। तो ये जो भपका है, भपका मतलब जो आपको छोटे वाला मटका दिखाया जा रहा है, इस मटके में इन्होंने चोंगा लगाया है। चोंगा मतलब ये बांस का एक पाइप है जिसके थ्रू इसमें खस इकट्ठी की जाएगी। तो ये देखिए भपके के अंदर बहुत अच्छी तरीके से फिट किया जा रहा है, और इसे टाइट करने के बाद ये डाला जा रहा है पानी के अंदर। तो भैया ये पानी में क्यों रखा जाता है? अच्छा, माल ठंडा रहे इसलिए। तो ये देखिए इसे भपके को पानी के अंदर डुबा दिया गया है, और ये जो इसका दूसरा सिरा है लगाया जाएगा देग के अंदर। और अब अगले 24 घंटे तक देग के अंदर जो खस है वो गर्म होता रहेगा नीचे भट्टी पे, और इसके अंदर से खस की जो भाप बनेगी वो भाप इकट्ठी होकर इस भपके के अंदर आएंगी। कल सुबह 11 बजे काम शुरू हुआ था, और अब देखिए नेक्स्ट डे हो चुका है, आज भी कोई लगभग 10 बज चुके हैं, और जो खस है अपना वो सारा यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। गाइस 24 घंटे हो चुके हैं, अब अपनी खस यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। अब देखिए इसे पाइप को यहाँ से बाहर निकाला गया है, और 24 घंटे में कितने मटके लगते हैं? ये एक डेग पे 6 लगते हैं, और 6 में टोटल कितनी निकलती है? 50 ग्राम 6 में या 1 में? 6 में कुल मिला के 50। 24 घंटे में 6 भपके बदले जाते हैं, और ये भपका जो होता है तांबे का बना होता है। अभी जितने भी ये भपके आप देखें, सभी से जो पाइप है वो निकाला जा चुका है, जो खस है वो जा चुकी है भपके में, इसके अंदर अब केवल वेस्ट बची है। अब गाइस जितने भी अपने भपके निकाले गए इन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। अब भपका जो है अपना वो ठंडा हो चुका है, अब इसमें से देखिए पानी बाहर निकाला जा रहा है। और भैया खस किधर रहेगी? इसमें पानी आ गया है तो बाहर, खस इसके भीतर रहेगी? तो गाइस पानी तो बाहर आ जाएगा, और इसमें अंदर लगी हुई रह जाती है खस, जिसे गर्म करके बाहर निकाला जाएगा। और अब देखिए इन भपकों से पानी निकालने के बाद इन्हें इधर लाया जा रहा है, जहाँ पे इन्हें उपलों की आंच पे गर्म किया जाएगा। तो भैया आग के पास क्यों लाया इन्हें? इन्हें जो खस चुपट जाती है साइड से, हाँ, वो गर्म हो करके और इसमें नीचे पहुंच जाते हैं तब पे। अच्छा अच्छा, तो इसलिए लाया गया इन भपकों को आग के पास कि पानी इनमें से निकल चुका है, खस इनके अंदर चिपकी हुई है, तो आग के पास आने से वो पिघल के इनके सेंटर में आ जाएगी, तो उसके बाद इसे खस को निकाला जाएगा। अभी कोई 1 घंटा हो चुका है, भपका पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, और अब क्या किया जाएगा इसका? अब खस निकाली जाएगी इनमें से। तो ये देखिए खस निकालने के लिए धागों का पोंछा है, इसे इसके अंदर डाला गया है भपके के, इस पोंछे पे लग के आएगी खस। पोंछे में लग के खस आएगी। तो ये देखिएगा इस पोंछे पे लग के आई है खस, और इसे ऐसे निचोड़ा जा रहा है, और निचोड़ते निचोड़ते आप देखिए ये बाबा के हाथों पे खस आ रही है। तो ये चीज होती है खस। हाँ, ये होती है खस। तो जो खस है इतनी मेहनत की है, 1.5 क्विंटल इसमें खस गई थी, वो 1.5 क्विंटल में से ये निकल रहा है निचोड़ के। गाइस आधा घंटा लगा 16 भपके इस्तेमाल करने के बाद, देखिए इतना केवल इतना सा खस निकला है, और ये भी बाबा पूरा है, और इसमें से पानी है। इसमें पानी है, दिखाइए जरा। पहले माल माल आएगा यूं करके। अच्छा, पहले हाथ के ऊपर ये माल आएगा, माल आएगा, और पानी पानी नीचे रह जाएगा, इसके नीचे पानी है। तो ये जो इसमें आ रहा है ये है असली खस, असली खस ये। तो गाइस एक बार आप ये देखिए मेहनत कितनी है, ये 25 यहाँ पे देग है, इन 25 देग में 24 घंटे पका है, और 24 घंटे पकने के बाद यहाँ पे 16 भपके हैं, 16 भपकों में से
केवल इतनी सी खस तैयार होती है। और इसका प्राइस कितना रहता है, कितने रुपए किलो होती है? 70 से 75 हजार रुपए किलो की जाती है। 70 से 75 हजार रुपए किलो। और किस चीज में इस्तेमाल करते हैं इसको? ये तम्बाकू, गुटखा और साबुनों में यूज ज्यादा होती है। अच्छा, तम्बाकू, गुटखा और साबुनों में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका पानी जो है शरबत में गर्मियों में पीने के काम में आता है। अच्छा, इसका जो पानी, उससे शरबत बनते हैं, जो हरा हरा शरबत बनता है खसखस का? खसखस का बनता है। ओके जी, उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे यूनिक और सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। तो भैया, कोई अगर यहाँ से मंगाना चाहे, आप कॉन्टेक्ट नंबर बताइए अपना, क्या नंबर रहेगा? 9457-66-87-23, 9458-62-83-19। तो इन नंबर से मंगा सकते हैं? बिल्कुल, दोनों को। और कम से कम कितना ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं? कम से कम 1 किलो तो होना चाहिए। कम से कम 1 किलो होना चाहिए। किलो होना। और आप अपना एड्रेस और बता दीजिए, कहाँ पे पड़ेगा ये? विलेज देवकरणपुर है, पोस्ट चिरगुमा है, तहसील जलेसर, डिस्ट्रिक्ट एटा।